दोस्तों, छोटे पर्दे की जानकारी रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि अभिनेत्री रूपल त्यागी के नाम से अनजान होगा, क्योंकि यही तो वो हैं जिन्होंने कभी गुंजन बनकर लोगों के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ी तो कभी कुहू बनकर पर्दे पर उतारा गया। इनका हर एक किरदार इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा कि वो शो हिट तो हुआ ही, साथ ही इनके हर एक शो के साथ इनके चाहने वालों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस रूपल त्यागी को इंडस्ट्री में काम करते हुए आज पूरे 12 साल से ज्यादा का वक्त होने वाला है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इन्होंने इन सालों में कितने सारे शोज और मूवीज में काम किया है और उनमें से कौन से शो ने इन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कराई थी। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके करियर से लेकर अब तक के शोज़ और मूवीज़ से रूबरू करवाएंगे। तो फिर चलिए बिना देरी किए और बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कि ऑल टीवी शोज़ और मूवीज़ के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप अभिनेत्री रूपल त्यागी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज छोटे पर्दे के सबसे ज्यादा नामचीन अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करने वाली अभिनेत्री रूपल त्यागी ने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम ना साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था, जहां इस फिल्म के बाद इन्हें साल 2008 में आई टीवी सीरियल हमारी बेटियों का विवाह में मंशा कोहली का किरदार अदा करते हुए देखा गया था, जिसमें इनका अभिनय प्रदर्शन इतना ज्यादा अच्छा रहा कि इन्हें शो को देखते ही हुए इन्हें कई आगे चलकर यानी कि साल 2011 में जी टीवी पर प्रसारित हुए शो नई छोटी सी जिंदगी शो में कुहू का किरदार ऑफर किया गया था, जिसे एक्सेप्ट करके इन्होंने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में चार चांद लगाए, जिसके बाद साल 2012 में जी टीवी पर टेलीकास्ट हुए शो सपने सुहाने लड़कपन के गुंजन का किरदार अदा करते हुए इन्हें देखा गया था। इस सीरियल में इन्होंने एक केयरफ्री और बबली लड़की का किरदार प्ले किया था, जिससे ये अपनी असल जिंदगी से काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, जिससे कि इनका ये किरदार इनके करियर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट किरदार सफल साबित हुआ, जिसे कि लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। वहीं इन्होंने तीन शोज में मुख्य भूमिका अदा करने के साथ साथ ही कई शोज में भी काम किया, जिनमें कसम से, दिल मिल गए, लाल इश्क और शक्ति अस्तित्व के एहसास की कई जैसे सीरियल्स शामिल हैं। इन्होंने इन्हें इनके करियर को बरकरार रखने में इनकी काफी ज्यादा मदद की है और इन्हीं शोज की बदौलत आज रूपल त्यागी अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग स्किल्स को काफी ज्यादा निखार चुकी हैं। वहीं आपको बताते चले कि इन्होंने टीवी सीरियल्स में लीड रोल्स और सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए हैं, तो वहीं इन्होंने कई सारे रियलिटी शोज में भी काम किया है, जिनमें झलक दिखला जा सीजन 8, बिग बॉस सीजन 9 और बॉक्स क्रिकेट लीग का शो शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि इन्हें झलक दिखला जा सीजन 4 कबूल है, एक मुट्ठी आसमान, किलर कैरियोके, अटका तो लटका और फेसबुक विद कविता जैसे कई शोज में गेस्ट के रूप में भी देखा जा चुका है। वहीं आखिर में बात की जाए इनके मोस्ट पॉपुलर शोज के बारे में, तो अब तक ये करियर के सबसे मोस्ट पॉपुलर शो सपने सुहाने लड़कपन के और हमारी बेटियों का विवाह है। दोस्तों, रूपल त्यागी के इन सभी टीवी शोज में से आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा रहा है, आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसे ही और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।